परसेंटेज से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 400 क्वेश्चन, यशिका आंसर्ड 50% ऑफ फर्स्ट 50 क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ रिमेनिंग 250 क्वेश्चन डज शी नीड टू आंसर करेक्टली फॉर हर ग्रेड इन द एंटायर एग्जाम टू बी 60%। यानी कि एक टेस्ट में 400 क्वेश्चन है, यशिका ने 150 क्वेश्चन का 50% आंसर सही दिया है, और जो रिमेनिंग 250 क्वेश्चन है, बाकी के 250 क्वेश्चन है, उसमें से वो कितना परसेंट सही आंसर दे ताकि उसके पूरे एग्जाम में 60% ग्रेड आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ समझने की जो होता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। ओवरऑल परफॉर्मेंस है 60% ओवरऑल है 60% ऑफ 400, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 400 है और उसे 60% की जरूरत है, तो उसे क्वेश्चन के आंसर सही देने की जरूरत है ताकि उसका जो ग्रेड है वो 60% बन जाए। अब हमें पता है कि यशिका ने पहले 150 क्वेश्चन के 50% आंसर सही दिए, यानी कि उसने 50% ऑफ 150 इसके आंसर सही दिए हैं, तो ये हुआ 75 क्वेश्चन, यानी कि उसने 75 क्वेश्चन के आंसर सही दी है पहले के 150 क्वेश्चन में से। तो ओवरऑल यशिका ने 240 क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं, लेकिन वो 75 क्वेश्चन के आंसर सही दे चुकी है, तो उसे जितने क्वेश्चन के आंसर अभी देने हैं वो देने हैं 240 माइनस 75, यानी कि 165 क्वेश्चन के आंसर उसने और सही देने हैं, तभी उसका जो ग्रेड है वो 60% बनेगा। तो यानी कि उसने 250 क्वेश्चन में से 165 क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। तो अब ये इस फॉर्म में है 165 व्हाट परसेंट ऑफ 250। तो अब आपको याद होगा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, इसको हम फाइंड आउट करते हैं x by y into 100। तो यहाँ पर ये बना 165 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250, है ना, क्योंकि हमें 250 में से 165 क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं, तो 165 व्हाट परसेंट ऑफ 250, तो ये हुआ x, यानी कि 165 डिवाइड बाय 250 है 250 इंटू 100। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 66%, यानी कि यशिका को 66% क्वेश्चन के आंसर सही देने की जरूरत है ताकि उसका जो ग्रेड है पूरे एग्जाम में वो 60% हो जाए। तो याद रहे कि परसेंटेज क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपके लिए बाकी टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है, और आप बड़ी आसानी से मतलब मोस्टली क्वेश्चंस को प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सभी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।